हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो आप टॉपिक देख के समझ ही गए होंगे, चार साल को एक वीडियो में एक्सप्लेन करना कोई आसान बात नहीं होगी, पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सारी मैक्सिमम चीज़ें आपको इसी वीडियो में बता दें। सो टाइम में ज़ाया करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ लोग पूछते हैं कि आप जर्मनी क्यों आए, आप ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं चले गए, यूएस क्यों नहीं चले गए। तो सबसे आसान आंसर इसका मैं आपको दूंगा कि ऑब्वियसली यहाँ पे पढ़ाई बहुत चीप है, मतलब पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की तो फीस है ही नहीं ऑलमोस्ट। मतलब हमारी यूनिवर्सिटी की जो फीस है 150 यूरोज़ अब हुई है जाके, मतलब शुरू में 125 थी आई थिंक, और अब जाके 150 हो गई है मैक्सिमम, मतलब 3-4 साल बाद। तो अभी हमारे जर्मनी में पूरे 4 साल नहीं हुए क्योंकि हम अक्टूबर में आए थे 2019 में, और अभी जो है ना जून चल रहा है, बस ऑलमोस्ट होने ही वाले हैं, पर हम आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और क्यों आप सोच रहे होंगे लेकिन हम जर्मनी आए क्यों, मतलब क्यों पाकिस्तान में क्यों नहीं रहे। तो ग्रेजुएशन के बाद हमने मतलब कोई ऐसी प्री प्लानिंग नहीं की थी कि हमने जर्मनी जाना, क्योंकि आजकल तो स्टूडेंट पहले से प्लान कर लेते हैं कि हमने ग्रेजुएट होते ही जर्मनी चले जाना है, बाहर चले जाना है। लेकिन हमने कोई प्लानिंग नहीं की थी, हमने तो सोचा था चलो जॉब करेंगे पाकिस्तान में। तो लेकिन जैसे ही हमने ग्रेजुएशन की तो हमें रियलाइज़ हुआ कि जॉब मार्केट तो बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट है पाकिस्तान में। जॉब हमें मिल गई थी अल्लाह का शुक्र है फ़ौरन ही, लेकिन काफी मतलब डिफिकल्ट लाइफ थी, सिर्फ जॉब ही थी और कुछ नहीं था। कुछ कंपनीज की मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती तो फिर वो जरा कहते हैं ना जल्दी काम करो ये करो, प्राइवेट जॉब से, और इतनी इनकम भी नहीं थी उसकी। तो लेकिन हमने 6 मंथ जॉब की भी हमने उसको छोड़ा, उसके बाद हमने जो है ना फ्रीलांसिंग की, हमने थोड़ा कुछ और सर्च करते हैं क्योंकि हमारा प्लान तो यही था कि पाकिस्तान में रहना है मतलब फैमिली के साथ। तो हमने फ्रीलांसिंग ट्राई की, फ्रीलांसिंग मतलब अच्छा सा सोर्स था, लेकिन उसमें ये था कि कोई होता है ना कि स्टेबल इनकम नहीं था ना, टाइम स्पेसिफिक नहीं था, मतलब आपको दिन रात आपको देना है उसको, कि रात को भी आपको मैसेज आ जाता है आप रिप्लाई नहीं करो तो क्लाइंट नाराज हो जाएगा आपको कि रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा। ऑब्वियसली इस टाइम बिल्कुल अच्छा था, लेकिन मतलब ये था कि फ्यूचर सिक्योर नहीं था। तो हमने फिर एक साल बाद मेरे भाई ने मशवरा दिया कि जर्मनी आप लोग जो है ना ट्राई करें, तो हमने भी देखा हाँ मतलब अगर कुछ करना है तो मतलब डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। सो हमने अप्लाई तो करना शुरू कर दिया, मेंटली तैयार नहीं थे, हमने अप्लाई करना शुरू कर दिया और साथ में हमने मास्टर में एडमिशन लिया नर्स्ट में। तो मास्टर भी हमारा जैसे ही शुरू हुआ और साथ में फीस दे चुके थे हम एक सेमेस्टर की, तो अब कुछ भी नहीं हो सकता था, मतलब एडमिशन फीस जो होती है सिक्योरिटी फीस पहले सेमेस्टर फीस सब दे चुके थे हम नर्स्ट में, और मतलब हमारा आखिरी दिन था अभी फीस वापस रिटर्न के लिए अप्लाई करने के लिए। तो उसी दिन ना हमें वीज़ा आ गया क्योंकि अपॉइंटमेंट जब आती थी आपको कन्फर्म नहीं होता आपका वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा, तब हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते थे। पर जब वीजा आ गया हमने कहा चलो अब तो फीस वापस लो, क्योंकि उसी उन्हीं पैसों से हमने अपनी टिकट अरेंज कर ली जर्मनी आने के लिए। तो हमने कहा कितना फायदा होगा, लेकिन बड़ी मुश्किल से मेरे साइंस वगैरह लिए हमें टीचर्स वगैरह से, और फिर जाके हमें फीस वापस मिली। उस वक्त मैं कुछ भी नहीं सोचा कि हमें जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, जैसे वीजा मिला ना जब हम अप्लाई करें तब भी नहीं सोचा कि हमें जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, क्योंकि उस वक्त होता है बस जाना है कुछ करना है जाके, तो जर्मन लैंग्वेज खुद ही क्योंकि टाइम के साथ सब कुछ आपको वैसे ही आता रहता है। तो फिर थोड़ा सा हमने इमोशनल होकर फाइनली टिकट बुक की जर्मनी की और जर्मनी आ गए फाइनली। लेकिन जर्नी आने के बाद रियल चैलेंजेस थे। मतलब जर्मनी है, लोग सोचते हैं जर्मनी जाना चैलेंज है, जर्मनी तो आप पहुंच गए उसके बाद भी चैलेंज खत्म नहीं होते, उसके बाद और ज्यादा चैलेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। पहले थोड़ी एक्साइटमेंट थी लेकिन यहाँ आके रियलाइज हुआ कि पहले जो है चैलेंजेस को काबू करना पड़ेगा। तो सबसे पहला चैलेंज था कि अपार्टमेंट जर्मनी के हर शहर का पाकिस्तानी एक फेमस ग्रुप है वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं, तो वहाँ से आप घर देखें, अगर नहीं मिलता तो यहाँ पे आके आप सीनियर्स वगैरह दोस्त वगैरह के पास रह सकते हैं। पर वो ऑब्वियसली मुश्किल आसान नहीं होता रहना कि आपको अपने दोस्त के साथ जागना है सोना है उसके साथ खाना वगैरह खाना, तो बड़ा मुश्किल सा हो जाता है ऑब्वियसली। जब तक आपको अपना अपार्टमेंट नहीं मिलता ना आपको मेंटली सुकून नहीं होता है, सुकून के लिए अपना कमरा धोना चाहिए। सो शुक्र है अल्लाह का कि हमारे कुछ दोस्त थे, हम उनके पास रहे कुछ दिन, आई थिंक 1 वीक। हाँ मैं तो सच एक बांग्लादेशी कुलीग के पास रहा था, उसने मुझे कनेक्ट कर दिया था एक पाकिस्तानी कुलीग ने। सो अच्छा था लड़का वो भी, उसने मुझे रखा 1-2 दिन आई थिंक। तो फिर हमने उसमें साथ में अपना अपार्टमेंट ढूंढा, हमें 1 महीने के लिए अपार्टमेंट मिला था, हम टेम्प्रेरी वहाँ पर मूव हुए। साथ में हमने दूसरा अपार्टमेंट भी देखा लॉन्ग टर्म में, सो हमें 1 महीने बाद लॉन्ग टर्म भी मिल गया। अब अपार्टमेंट का ये मसला है कि यहाँ पे जर्मनी में कुछ अपार्टमेंट्स होते हैं विद किचन और कुछ होते हैं विदाउट किचन। सो हमें जो है अनफॉर्चुनेटली हमें विदाउट किचन का मिला, विदाउट किचन मिला, और उसमें विदाउट किचन तो सही कमरे बिल्कुल खाली, मतलब खाली कमरे नहीं दीवारें जैसे, विदाउट किचन विदाउट लाइट्स कुछ भी नहीं था, कुछ कनेक्शन नहीं थे। सो वो भी हमें जो है ना खुद करना था, लेकिन हमने किससे हेल्प की, तो हमने सारे कनेक्शन वगैरह, चूल्हे की कनेक्शन, ओवन हो गया सब कुछ, डिशवॉशर तो नहीं था उस वक्त हमारे पास। आप मेरे अपार्टमेंट की वीडियोस भी देख सकते हैं, पूरे मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। अपार्टमेंट को फर्निश करने के लिए जो हमने ईबे एक वेबसाइट ईबे क्लाइंट साइन, आप वहां से चीप ले सकते हैं फर्नीचर, सेकंड हैंड मिल जाता है।
वहीं से हमने जो है किचन भी लिया, फिर उसको मूव किया अपार्टमेंट में, उसको कनेक्ट किया मशीन वगैरह. सो वो जो है ना काफ़ी फर्स्ट टाइम हमने किया था, पहले पाकिस्तान में कभी किया नहीं था, ये काम नहीं आते थे, लेकिन शुक्र अल्लाह का और कर लिया. एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ याद कर दूँ कि यहाँ पे ना जर्मनी में घरों के बाहर लोग चीज़ें रखते थे जो उन्होंने मतलब जो उनकी पुरानी हो जाती हैं, तो आपने कभी बाहर से उठा के नहीं लेके आनी चीज़, क्योंकि उसमें ना बग्स वगैरह होते हैं, तो आपका पूरे घर का फर्नीचर ख़राब हो जाएगा. बग्स मतलब खतमल कहते हैं जिनको उर्दू में, तो वो लकड़ी की चीज़ों में ज़्यादा होते हैं, तो अगर वो आप ले आए ना घर में तो आपकी ज़िंदगी आपको वैसे ही होम सिकनेस शुरू हो जाएगी. कॉकरोच हो गए यहाँ पे बहुत आते हैं, यहाँ उनसे आपने बचना है, गंदगी से बचना है और बग्स वगैरह से बहुत बचना है, ये बहुत फेमस जहाँ पे चलता है, इसलिए आपने ना बाहर से कोई चीज़ नहीं उठा के लेके आनी है ना. एग्जैक्टली. और अपार्टमेंट के बाद जो है नेक्स्ट चैलेंज होता है आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, सिटी रजिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस, बैंक कार्ड, बैंक अकाउंट, तो क्योंकि काफी बैंक सारे. कार्ड तो आपको जरूर चाहिए. तो यहाँ पे सारी मोस्टली पेमेंट्स जो है ना कार्ड के थ्रू होती हैं, बहुत कम शॉप्स हैं, अरेबिक शॉप्स होगी, एशियन शॉप्स होगी जो पैसे कैश एक्सेप्ट करती हैं, तो कार्ड होगा तो जिंदगी आपकी आसान हो जाएगी, क्योंकि आप हर वक्त कैश कैरी नहीं कर सकते ऑब्वियसली. हाँ, वही कैश आपके पास होगा जो पहले महीने पाकिस्तान से लेके आए होते हो, आप फर्स्ट मंथ के लिए वो आपके पास कैश होते हैं, तो वही आप खर्च करते रहते हो, पर जब वो खत्म हो जाता है तो फिर उसके लिए आप फिर आपको कार्ड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो आपकी ब्लॉक अमाउंट होती है वो भी आपके बैंक में आती है, तो उसके लिए आपका बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है. एग्जैक्टली. और डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए आपको थोड़ी बहुत लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि कुछ सिटीज में जो है ना वो इंग्लिश नहीं बोलना प्रेफर करते, मतलब ये आ गया, अब नेक्स्ट चैलेंज आ गया आपका लैंग्वेज की. अब आपको डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं, पर उसके लिए आपको लैंग्वेज थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए. बैंक वाले को जो बैंक मैनेजर होता है, जब इसके पास आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं, उसको लैंग्वेज उसको इंग्लिश नहीं आती थी, तो हमने उसने कहा था कि आप किसी बंदे को लेके आना, पर हम दोनों खुद अकेले साथ चले गए थे, तो हमने एक दूसरे की हेल्प करके समझ लिया कि क्या कह रहे हैं वो, उसको हमारी बातें शुक्र समझ में. अगर आपको जी अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इश्मुश्ते डैश इश्मुश्ते, ये आई वांट आई नीड, तो आगे उसके इश्मुश्ते के आगे आप जो मर्जी लगा दे, बैंक लगा बैंक अकाउंट लगा दें, सिटी रजिस्ट्रेशन लगा दें, तो हम जहाँ जाते थे पूछते बैंक अकाउंट पूछते स्टेटमेंट जो भी है वीजा. वो बहुत फनी टाइम था. अच्छा क्या होता था ना, जो भी हमसे कोई चीज पूछता था हम कहते हैं या या. अच्छा कोई बंदा नई नई चीज आ जाए हम फिर भी या बोले, तो वो देखते हैं या नहीं 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 नहीं, ऐसा भी होता था. सीरियस बहुत अच्छा टाइम था. लेकिन एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूँ मेरे जहन से निकल गई, और एक और कीवर्ड है जब हम जब सीखते हैं इशमिन स्टूडेंट, इशमिन स्टूडेंट जब अपनी सिंपैथी लेनी होती थी ना, जब डिस्काउंट चाहिए होता था, तो मैं तो स्टूडेंट हूँ यार, इशमिन स्टूडेंट, तो फिर वो कहता था ओके 5 यूरो कम कर दी थे, 6 यूरो कम कर दी. सीरियसली ऐसा होता भी है, और कभी कभी एक दफा ऐसा भी हुआ कि हमने ये बोला इशमिन स्टूडेंट, वो कहता है इशमिन आउट स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो हमने कहा नहीं, अब नेक्स्ट टाइम ऐसा बहुत सोच के इस्तेमाल करना है कि नेक्स्ट सामने में भी देखना है कि वो कौन है. एग्जैक्टली. और डॉक्यूमेंट जब आप बनवा रहे होंगे, डॉक्यूमेंट जब बन भी जाएंगे, तो उसके साथ आपको सोचेंगे कि जो आपका बैंक अकाउंट है वो तो कम होता जा रहा है, तो उसके लिए आपको जॉब करनी पड़ेगी. कुछ लोग होते हैं लोन लेके आते हैं, उनको लोन वापस करना होता है, तो जॉब जरूरी है साथ जाने के लिए. वैसे भी यहाँ पर मतलब एक्सपेंसिव ऐसे नहीं हो सकता कि आप जो अकाउंट लाए हैं उसी से पूरे करें, साथ जॉब करना जरूरी है. सो उसके लिए फिर आपको काफी काफी सुन लोन लेके आए होते हैं, उन्होंने लोन वापस करना होता है, कि यही नहीं वो पैसे वो यूज कर सकते हैं, वो पैसे उन्होंने सेव करने होते हैं, पैसे जो अर्न करेंगे वो उनसे अपना खर्चा जाना होता है, तो आपको उसके लिए जॉब चाहिए होती है, और उसके साथ साथ एग्जाम्स भी आपके आ जाते हैं. एग्जैक्टली. जॉब ढूंढना भी मुश्किल है, पार्ट टाइम जॉब भी कभी कभी मुश्किल से मिलती है, और साथ में आपके एग्जाम भी आ जाते हैं. तो हमारे टाइम पे तो ये हुआ कि जैसे ही हमने जॉब शुरू की, एक और साथ पढ़ना शुरू किया, तो कोविड आ गया. सो कोविड आया तो सारी जॉब्स वगैरह मतलब बहुत लिमिटेड जॉब्स हो गई थी, ऑलमोस्ट मतलब जॉब्स थी नहीं, स्टडी बिल्कुल भी नहीं थी, कम्युनिकेशन खत्म हो चुका था, जो फ्रेंडशिप हमारी बनी थी फर्स्ट सेमेस्टर में मतलब क्लासमेट्स के साथ, वो सब खत्म हो चुकी थी, तो कुछ भी नहीं बचा था हमारे पास, और हम घर में बस रह गए थे, सिर्फ ग्रोसरी शॉपिंग करने गए, आए, खाना खाया, खाना नमाजें पढ़ी, सोए, बस यही रह गया था. राइट. एग्जैक्टली. तो बड़ा मुश्किल सीन था, और कहीं पर भी जाना है PCR टेस्ट करो, उसके अलग पैसे दो, तो बड़ा ही टेंशन था. लेकिन शुक्र है हालात के साथ टाइम सेट हुआ, और फिर हमने फैसला किया पाकिस्तान जाने का. एग्जैक्टली. हम जो है ना पाकिस्तान गए 2022 में. हाँ, लेकिन नहीं, उससे पहले 2022 में लास्ट टाइम 2022 में गया ना, तो उसके बाद हम 2020 में भी गए थे. सॉरी. सो हम पाकिस्तान गए 2020 में ड्यूरिंग कोविड, जब पीक पे था कोविड, मास्क पहनेंगे, शील्ड पहन के उस पे वीडियो कोरोना टेस्ट करवा के टेस्ट भी करवाया था हमने. एग्जैक्टली. और उसके आई थिंक कितने पैसे लगे, 60 यूरो, उस वक्त 50-60 यूरो थे एक टेस्ट, एक बंदे के टेस्ट के, एक साइड के. शुक्र है खत्म हो गया. सो हम पाकिस्तान से आए, तो फिर हमने जो है ना लकीली अमेजोन ज्वाइन किया 3 मंथ्स के लिए, काफी मतलब फेमस आपका बैंक से थोड़ा ऊपर आती, तो फिर आपको यार अब दोबारा से जॉब आती है स्टूडेंट्स के लिए, तो वो आप कर लें, तो आपने जॉब नहीं की पूरा साल, तो आपका मतलब स्टेटमेंट अच्छी हो जाएगी. और माशाल्लाह से आप स्टूडेंट्स काफ़ी इतने समझदार हो गए ना, कि वो पाकिस्तान से आने से इंडिया पाकिस्तान से आने से पहले ही ना अमेजोन में अप्लाई कर लेते हैं, और जैसे वो यहाँ पे आते हैं वो जॉब शुरू कर देते हैं. तो कितना उनको मतलब वो माशाल्लाह अपने आते साथ ही ना बैंक का जो ब्लॉक स्टेटमेंट है ना वो पूरी कर देते. वैसे मैं आपसे कहता हूँ कि आपने ब्लॉक अमाउंट की टेंशन नहीं लेनी, वो आप पूरी कर लेंगे, और वो आपकी सिक्योरिटी फीस है, वो पैसे आपको वापस मिलेंगे एक साल के अंदर, तो आपने सिर्फ उसकी वजह से अपना प्लान कैंसिल नहीं करना ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया US वगैरह जा रहे हैं तो आप हर सेमेस्टर की फीस दे रहे हैं 3 लाखों में,
तो उससे अच्छा तो ये है कि आप एक दफ़ा फीस दे दें वो आपको वापस मिल जाएगी। क्यों एग्जैक्टली और उसके साथ साथ हमने एग्जाम भी दिए, कुछ कोर्सेज भी क्लियर किए, लेकिन टाइम के साथ साथ हमें एहसास हुआ कि हमें जो है ना इतना पार्ट टाइम जॉब पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, हमें इंटर्नशिप करनी चाहिए, क्योंकि इंटर्नशिप से आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आएगा जो आपकी जॉब में जो है ना हेल्प करता है। और फिर बातें शुरू हो गई कि इंटर्नशिप मिलना तो बहुत मुश्किल है, आपको मिलेगी नहीं, लैंग्वेज वगैरह तो काम होगा ही नहीं, आपको लैंग्वेज आनी आनी चाहिए, B1 तक आपको आनी चाहिए। और इसी तरह एक बोर्ड में शुरू में बात भूल गया था कि शुरू में जब आप आते हैं ना जर्मनी, आप शुरू शुरू नए नए आते हैं तब काफ़ी लोग आपको मिस कर भी करते हैं कि आप ये कोर्स तो आपने बहुत मुश्किल चूज़ कर लिया, आप दूसरा कोर्स ले लो, तो आपने किसी की बातों में नहीं आना, आप जो सोच कर आए हुए हैं ना आपने उसी पर डटे रहना है और वही कोर्स आपने करना है। और मैं आपको यकीन करता हूँ कि आप ना ग्रुप स्टडी करेंगे, जब आप पास पेपर्स वगैरह देखेंगे आप आराम से वो कोर्स क्लियर कर सकते हैं, अगर आप पाकिस्तान में अच्छे पढ़ने वाले हैं तो। एग्जैक्टली, अगर होम सिकनेस से बचने के लिए आप साथ साथ जो है यूनिवर्सिटी दोस्त भी बनाए और वीकेंड्स पे मिले और साथ बीच में आप ट्रैवल भी करें, जिस तरह मतलब यूरोप में आए तो घूमना तो जरूरी है, तो थोड़े बहुत पैसे सेव करके साथ साथ ट्रैवल भी करें, अच्छा है, मतलब बंदा खुश भी रहता है और होम सिकनेस भी नहीं होती तो ये भी बहुत जरूरी है। और क्योंकि 2021 में जो है नो यूरो टिकट भी तो आ गया था। Exactly. 2021 में नो यूरो टिकट आया 3 मंथ्स के लिए, उसमें हमने काफी फायदा उठाया उसका। सो ये 2021 में नहीं आया था, 2022 में आया था। देख सकते हैं तो काफी ना हमने एंजॉय किया था और वो टाइम काफी अच्छा था कि मतलब आप फ्री में कहीं ना कहीं जा रहे हो, मतलब रश होती थी ट्रेन में लेकिन फिर भी आप ट्रैवल आराम से कर सकते थे। एग्जैक्टली, और फिर अल्लाह का शुक्र है कि हमारी इंटर्नशिप होगी और तो हमें सिटी चेंज करना पड़ गया, क्योंकि हम पहले मागदपुर में थे और बड़े दिल पे मुझे हाथ रख के ना सिटी चेंज करना पड़ा, क्योंकि होता है मागदपुर मेरा फेवरेट सिटी है, मागदपुर मेरा फेवरेट सिटी है। मैं आपको अच्छा, मैं सीरियसली बात करता हूँ कि मागदपुर स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी सिटी है, मतलब बहुत चीप अपार्टमेंट्स, आपको इससे चीप अपार्टमेंट्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, रहाइश मिलेगी आपको, खाना वगैरह ग्रोसरी तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी ऑब्वियसली, तो ये मुझे इसलिए मागदपुर काफ़ी पसंद था। लेकिन हाँ, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज भी कम है इसलिए हमें दूसरे शहरों में मूव करना पड़ता है, जैसे उल्म हो गया आप। एग्जैक्टली, तो हमने उल्म में स्विच किया काम, तो सब कुछ मतलब शिफ्टिंग थोड़ा मुश्किल होता है, तो उल्म में हमें मूव किया। सो उल्म जो है अब बड़ा सिटी है, मतलब इतना बड़ा सिटी नहीं, मीडियम सिटी है, तो हमारे खर्चे भी बढ़ गए। अब अगर हमारा मागदेबुर्ग में 450 यूरो खर्चा होता था, यहाँ पे हमारा 900 यूरो खर्चा होना शुरू हो गया, क्योंकि अपार्टमेंट का बहुत डिफरेंस आ जाता है। अपार्टमेंट मेन खर्चा जो है ना सिटी चेंज करने पर क्या होता है, बड़े सिटी में जाने का अपार्टमेंट बहुत महंगा हो जाता है आपका ना। एग्जैक्टली, मेन आई थिंक एक्सपेंस जो है ना अपार्टमेंट के, क्योंकि ग्रोसरी की प्राइस पूरे जर्मनी में सेम है, बाकी इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ सेम है, तो जैसे हम अच्छी जगह यहाँ पर, क्योंकि आप 2-3 घंटे में ना यहाँ से स्विट्जरलैंड जा सकते हैं, फ्रांस जा सकते हैं, लुक्जमबर्ग जा सकते हैं, ऑस्ट्रिया जा सकते हैं, ये तो दूसरे कंट्रीज हो गए ना। मतलब और सबसे चीज क्या, अगर आप म्यूनिक में जॉब करें, शुटगार्ट में जॉब करें, तो ये ना इन बिटवीन है जो उल्म है, तो इसके बिल्कुल आसपास म्यूनिक, फ्रैंकफर्ट, शुटगार्ट है, तो काफी आसानी से आप ट्रैवल कर सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे ऑब्वियसली है, तो इसलिए लोग, और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है एज कम्पेयर टू उल्म, एज कम्पेयर टू म्यूनिक एंड शुटगार्ट, तो लोग यहाँ पे उल्म में रहना पसंद करते हैं। और यहाँ पे ज्यादा फैमिलीज रहती हैं जो कपल्स वगैरह हो गए, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स वगैरह लोग ज्यादा रहते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी है पर वो पब्लिक यूनिवर्सिटी यहाँ पे फीसेज हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं आते, स्टूडेंट्स सारे मागदपुर वगैरह में चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं। एक्जैक्टली, तो इंटर्नशिप के बाद जो नेक्स्ट चैलेंज था कि डिग्री भी तो खत्म करनी है, डिग्री छोड़नी तो नहीं है, तो उसके लिए थीसिस करना जरूरी था, क्योंकि कोर्सेज हमने कर लिए, तो थीसिस जो है अभी हम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है चल रहा है साथ साथ, तो साथ में जॉब भी कर रहे हैं, मतलब जॉब भी सारा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह चल रहा है, मतलब होता है ना कॉन्ट्रैक्ट फिर खत्म होता है फिर एक्सटेंड हो जाता है, तो इस तरह चलता रहता है। वो मैं आपको बाद में डिटेल वीडियो अलग से बना दूंगा जॉब के बारे में भी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या होती है, काफ़ी क्वेश्चन जो आते हैं रेसिज्म के बारे में, ओ माय गॉड, रेसिज्म मैं आपको बताऊँ छोटे शहरों में ज़्यादा होता है, बड़े शहरों में इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि लोग समझदार होते हैं। छोटे शहरों में क्या होता है, जिनको लैंग्वेज वगैरह नहीं आती होती, जो ज़रा पक्के जो होते हैं ना जर्मन होते हैं, तो वो ज़रा होता है। एक दो दफ़ा हमारे साथ भी हुआ, एक दफ़ा ट्राम में हम कहीं ट्रैवल कर रहे थे, बंदे ने जोर से मुक्का मारा ट्राम के दरवाजे पे और बोला आउटस्टैंडर्स, मतलब आउटस्टैंडर्स मतलब जो बाहर से लोग आए होते हैं, जैसे हम आए हुए हैं, तो ये बोला। उसके बाद एक दफ़ा एक बंदा बिल्कुल ड्रंक था, उसने बोतल मारने की कोशिश की हमारे ऊपर, न्यू ईयर की नाइट थी वो, तो ऑब्वियसली क्या होता है ना, वो लोग ड्रंक होते हैं जो आप लोगों पे जो रेसिज्म कर रहे होते हैं ऑब्वियसली, तो आपने उनकी बातों पर इतना फोकस नहीं करना, ये ना आप लड़ने बैठे उनसे, क्योंकि वो पहले ही ड्रंक है, तो उनको अगर हम मारेंगे तो वो कहेंगे वो तो ड्रंक था, आपने उसको क्यों मारा। ऑब्वियसली यहाँ पे रूल है कि कोई बंदा ड्रंक है तो आप उसको मार नहीं सकते, है ना, ऐसा भी है, तो इसलिए हमने अवॉइड की। तो आपने अवॉइड करना, आपने पंगा ही लेना ऐसे बंदों से जिनको आपको लगे ना शक है
आप उनसे वैसे पहली दूरी बना के चलेगा कि रेसिज्म आपको मसला नहीं हो, पर इतना कोई मसला नहीं, लोगों ने मनाया हुआ कि बहुत रेसिज्म है, इतना कोई इशू नहीं होता। एग्जैक्टली, और यहाँ पर आके अपनी आपकी लाइफ तो चलती रहती है, लेकिन उसके साथ साथ आपने जो है ना अपने घर वालों को नहीं भूलना, कोशिश करेंगे एवरी ईयर जो है आप पाकिस्तान विजिट करें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं मतलब जाते ही नहीं है अभी तक, मैं कुछ लोग ऐसे जानता हूँ जो अभी तक गए ही नहीं है पाकिस्तान जब से आए, लेकिन पाकिस्तान जाना जरूरी है, उससे आप रिफ्रेश भी हो जाते हैं और अपने घर वालों से एक रिलेशन भी रहता है। सो इस साल जो है 49 शुरू थी कि फिर से आ गया भाई, 49 शुरू थी कि पर मंथ आप पूरे सिटी पूरे जर्मनी में किसी भी सिटी में ट्रैवल कर सकते हैं, तो अभी हम उसका फायदा उठा भी रहे हैं और काफी भी हमने काफी आगे प्लान्स भी किए हुए हैं, मतलब इस साल तक पूरे वैलिड, आई थिंक दिसंबर तक वैलिड है ना। सो नेक्स्ट चैलेंजेस में जो है ड्राइविंग है, क्योंकि ड्राइविंग भी एक जरूरी चीज है मतलब, लेकिन काफी एक्सपेंसिव है, तो जब आप स्टूडेंट होते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है मैनेज करना, तो अब जो है ना हम कोशिश करेंगे कि उसका टेस्ट भी आना पड़ता है और साथ में ड्राइविंग की फीस बहुत ज्यादा है एक्चुअली, अगर आपके पास लाइसेंस है थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन वैसे जो है ना 3,000-2,000 यूरो लग जाता है। पाकिस्तान में क्या होता है ना, अगर आप सिर्फ जॉब कर रहे होते हैं, आप यहाँ पे आपको जॉब भी करनी है, साथ खाना भी पकाना है, सफाई भी करनी है, कुकिंग भी करनी है, ग्रोसरी शॉपिंग भी करनी है, तो बहुत सारी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके सर पे आ जाती है, तो उन सबको मैनेज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपको होम सिकनेस हो जाती है। पर एक्सपीरियंस के साथ साथ दो आप कोशिश करें कि आप अकेले मत रहें, आप किसी दोस्त के साथ रहें, किसी ग्रुप के साथ रहें, ताकि आपको काम डिवाइड हो जाए आपका, तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी और आपको होम सिकनेस भी नहीं होगी। काफ़ी लोग जो है घबरा जाएंगे कि पार्ट टाइम जॉब्स किस तरह की होती है, पार्ट टाइम जॉब्स अच्छी भी होती है, अगर आपने पार्ट टाइम जॉब्स नहीं करनी मतलब अमेजोन में काम नहीं करना, तो आप अच्छी यूनिवर्सिटी में भी जॉब कर सकते हैं, वर्क स्टूडेंट के तौर पे, हीवी के तौर पे, इंटर्नशिप के तौर पे, वो भी काफी आपको पेड करते हैं यूनिवर्सिटी में। Exactly. प्रोफेसर को आपने मेल करनी है तो बिल्कुल, और मैं यहाँ पे एडवाइस दूंगा कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है पाकिस्तान से, तो यहाँ पर आके कोशिश करें कि पार्ट टाइम जॉब ढूंढने की बजाय अपनी प्रोफेशनल जॉब, मतलब जिस तरह वर्क स्टूडेंट होता है वो भी, मतलब वर्क स्टूडेंट भी पार्ट टाइम जॉब होती है, तो आप अपनी प्रोफेशनल जॉब ढूंढे, आपने जो कोर्स किया होता है उससे रिलेटेड जो प्रोफेसर को तलाश करें, उसको ईमेल्स करें सारे प्रोफेसर को, फिर वो यूनिवर्सिटी में भी कर सकते हैं और कंपनीज में भी जॉब होती है, तो आप कोशिश करें इंटर्नशिप करना शुरू कर दें, क्योंकि उससे आपका एक्सपीरियंस भी आएगा और आपकी जॉब भी बहुत ईजी हो जाएगी। वो मोस्टली इंग्लिश में होती है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आपने लैंग्वेज नहीं सीखती, लैंग्वेज आपके बहुत काम आएगी, अगर आपकी जॉब में काम नहीं आती है आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आएगी, शॉपिंग करनी है, डॉक्टर के पास जाना है, आपको काफी ईजी हो जाएगा अगर आपको लैंग्वेज आती होगी। थोड़ा सा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो आप पाकिस्तान से भी लेकर आए इंटर्नशिप कर रहे हैं, ताकि क्योंकि यहाँ पे जब आप जॉब ढूंढते हैं तो कुछ ना कुछ फिर वो पूछते हैं कि आपने पहले क्या किया हुआ, तो इंटरव्यू में काफी आपको हेल्प हो जाएगी, और बेसिक कोर्स जर्मन का भी करके आ जाए, ताकि आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग जब हो जाएगी ना, तो अगर आपको पूरा जुमला नहीं भी समझ में आएगा ना, आपको एक वर्ड बीच में समझ में आ जाएगा, आप पकड़ लेंगे इसने क्या कहा है सामने, और बाकी वो शायरी वगैरह भी करते हैं तो आपको समझ में आ जाती है कि मतलब सामने का क्या कह रहा है, तो आपको पार्ट टाइम जॉब में भी काफी आसानी हो जाएगी उससे। राइट अरसान, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोग पूछते हैं मस्जिद के बारे में कि मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए लाइफ कैसे, यहाँ पे आराम से हर शहर में आपको मस्जिद मिल जाएगी, और लड़कियां पूछते हैं हिजाब वगैरह, लोग काफी उड़ते हैं यहाँ पे अरबी वगैरह उड़ते रहती है, तो वो हिजाब करके जा भी रही होती है, तो कोई उनको कुछ नहीं कहता, आप आराम से हिजाब वगैरह कर सकते हैं, नमाजें आप मस्जिदों में पढ़ सकते हैं, कंपनीज में आप नमाज आपको जगह खुद ढूंढनी पड़ेगी, कोई स्पेशल अमेजोन में जगह बनी भी हुई थी नमाज के लिए, काफी जगह काफी कंपनीज में नहीं बनी होती, तो आपको अपनी खुद ही देखना है, सेपरेट कमरे में आप जाके नमाज पढ़ सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है आपको, और बाकी अजान वगैरह तो ऑब्वियसली नहीं होती, पर जर्मनी का एक शहर है जहाँ पे अजान होना शुरू होगी, वो है कौन, कोलोन, कोलोन में वहाँ पे अब लाउड स्पीकर पे अजान होती है, पर काफी मसले भी चल रहे थे, लेकिन शुक्र है फाइनली अब हो रही है ना, और कोलोन में जर्मनी की सबसे बड़ी मस्जिद भी है, तो वो भी आप मेरे चैनल पे आप जाके कोलोन में जो वीडियो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो ये था, तो मुस्लिम स्टूडेंट्स को कोई टेंशन की जरूरत नहीं, आप आराम से आके यूज कर सकते हैं, मुस्लिम शॉवर वगैरह भी आप अपने वॉशरूम वगैरह में लगा सकते हैं, तो आपको कोई मसला नहीं होगा, और बाकी बस यही था सारा, आई थिंक काफ़ी सारे पॉइंट्स हम भूल भी गए होंगे, मोबाइल भी थोड़ा हिल रहा है साथ साथ, तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा उसको, और बाकी कुछ चीज़ें जो हम भूल गए अगर आपको याद हो, आप पूछना चाहते हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं ना। सो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि लाइफ में ना हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, मतलब आपने अच्छी चीज़ें भी होती हैं बुरी चीज़ें भी होती हैं, वो आप पे आपने कौन सी चीज़ें ज़्यादा अपनानी है ना अरसान, अच्छी चीज़ें भी ऑब्वियसली हर चीज़, अब लाइफ बिल्कुल परफेक्ट तो हो नहीं सकती, मतलब बैलेंस चलेगा ना हर चीज़, जैसे आप मूव ऑन करेंगे आपके साथ चैलेंजेस भी बढ़ते जाएंगे, सो लाइफ यही है बस, तो घबराना नहीं है आपने, अगर आपने इतने चैलेंजेस जो है क्रॉस कर लिए हैं, तो आप बाकी जो आगे आने वाले हैं वो भी क्रॉस कर लेंगे। सो आई थिंक जो मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड है ना वो होता है जब आप जर्मनी आते हैं और साथ में आपको लैंग्वेज करनी पड़ती है और इतने जॉब भी करनी पड़ती है, पार्ट टाइम एग्जाम्स भी करने पड़ते हैं, तो उस वक्त जो है ना आप हो सकता है कि आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, घबरा जाए, लेकिन सबसे मुश्किल पीरियड वही होता है, वो आप पास कर लें तो आगे काफी आसानी है, उसी टाइम पे आपने अकेले नहीं है ना, उसी टाइम पे दोस्त बनाने हैं, दोस्तियां करनी है, कि वो टाइम बहुत जरूरी है कि आप ग्रुप्स में बैठे सोशल हो, क्योंकि अगर आप घर में बैठे रहेंगे ना तो आप ही सोच सोच के ना पागल हो जाएंगे सीरियसली, अच्छा खाएं, अच्छा पिए, अच्छा सोने को और खाने को सही टाइम दें, तो आपको होम सिकनेस नहीं होगी सीरियसली। सो इसी नोट के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं, उम्मीद है कि आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा।